So hey guys, what's up? This is your one and only Dipanjan and you are watching Nada Nada Dan. Definitely Dipangama's world. So today I'm going to Park Street and wahan pe TVS ka showroom hai and main book karne wala hu ek TVS Ntorq for myself. Why are TVS Ntorq ka scooty jab mere paas ek Royal Enfield Classic 350 hai, itna modified bike hai, itna customized bike hai. तो अगर ये रीजन जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखना होगा. सो लेट्स गो. तो अभी हूँ कहाँ, सेंट्रल में हूँ एंड पार्क स्ट्रीट के ठीक आगे ही हूँ. तो अभी बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि बुक करना है एंड मेरे साथ है ऑनिश. तो जस्ट ट्रैफिक देखो, कोलकाता का ट्रैफिक दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है एंड ट्रैफिक में दिस एंटिक एंड वी आर वेरी प्राउड बिकॉज ऑफ दिस येलो टैक्सीज. तो चलो देखते हैं एंड वेयरिंग प्रोडक्शन टी शर्ट मी एंड ऑनिश बोथ. तो गाइस अभी मैं हूँ श्री टीवीएस के सामने जो कि है पार्क स्ट्रीट में. तो मेरा पीछे ही है टीवीएस. तो चलो टीवीएस के अंदर जाते हैं और उसके बाद बुक करते हैं. बोलो एनएटी है. फोन नंबर 72. सो बुकिंग के लिए जितना कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है सब कुछ दे दिया एंड अभी मालूम है क्या होने वाला है. तो चलो लेट्स गो. सो आफ्टर यू पे द बुकिंग अमाउंट यू विल गेट दिस रिसीट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दैट. सो हियर आर ऑल द डिटेल्स अबाउट द बुकिंग. तो फाइन, थैंक यू. तो थैंक यू. So guys, here you guys can see this is TVS Ntorq 125. So here it's written clearly that ये 125 cc वाला स्कूटी है. यहाँ पे की है, जो जब ये की मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे पूरा डिजिटलाइज है सब कुछ. ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पे डिजिटल है. तो हेलो राइडर का कहते हैं इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो आप लोग फ्रॉम द ब्लूटूथ. ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है. तो यहाँ पे किल स्विच दे रखा है TVS ने एंड आफ्टर दैट द बिल्ड क्वालिटी इज़ काफ़ी अच्छा. सी द सीट, द कुशनिंग इज़ वेरी नाइस. मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये सिर्फ एक वॉक अराउंड दे रहा हूँ मैं आप लोगों को. तो देख लो यहाँ पर सामने एक DRL मिल जाएगा आप लोगों को. तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है TVS Ntorq 125 एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका अंदर जाके रिव्यू बताऊँगा नहीं अभी क्योंकि लेने वाला हूँ ना, उसके बाद सब कुछ बता दूँगा आप लोगों को. जस्ट देख लो एक बार. यहाँ पे ये फ्रंट डिस्क है. सो ये पूरा एकदम स्कूटी का वेरिएंट्स है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्कूटी पे प्लस और एक पे प्लस. यहाँ पे स्कूटी जेस्ट 110, ये जुपिटर क्लासिक. ये भी काफ़ी अच्छा स्कूटी है, देखो एक बार, काफ़ी अच्छा है. बहुत प्रीमियम फील होता है स्कूटी में. इसका सीट देखो, यहाँ पे पैक रेस दे रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे विंडशील्ड. तो सो गाइस देख सकते हो आप लोग, ये ग्रीन कलर का वेरियंट है Ntorq का जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है. तो चलो अब बाहर. यहाँ पे भी बहुत सारे बाइक्स है स्टॉक से, बहुत TVS का.
अभी आप लोग देख सकते हो ये वाइड वाला जो मैं बुक किया हूँ, मैं वाइड ही बुक किया हूँ, बट एक ऑप्शन देना पड़ता है तो मैं रेड का ऑप्शन दिया, तो रेड तो आप लोगों को दिखाया एंड वो रेड है एंड ये वाला है इंटॉर्क का वाइट वेरियंट। तो चलो एक बार वॉक अराउंड देता हूँ वाइट का। वाइट का भी अच्छा एंड प्रीमियम लगता है, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी टू मेनटेन बेसिकली। तो यही एक पोपट और बात है जिस जो वाइट खरीदने के पहले एक सेकेंड और देता है मन में देता है बेसिकली। तो ठीक है, दिखाता हूँ आप लोगों को वाइट भी। तो गाइस ये तो वाइट वेरिएंट है एंड इसका जो हैंडलिंग है देखो, एकदम मेन पॉइंट है स्कूटी को बाय करने के लिए ये सब फीचर्स नहीं, इसका जो हैंडलिंग है ना काफ़ी कैसे स्लिक है, सो इट इज़ वेरी इजीली टू फ्लिकेबल। ठीक है, जब एक्टिवा जो मैस्ट्री होता है जो और सारे जो जुपिटर जो जो स्कूटी होता है इसका हैंडलिंग से बहुत अच्छा हैंडलिंग इसमें आपको मिल जाएगा। इनिशियल बहुत अच्छा है, आई अगेन रिपीट, इनिशियल बहुत अच्छा है। तो अभी मैं कुछ डिटेल वगैरह में कुछ नहीं जाऊँगा, अभी मैं जस्ट एंजॉय कर रहा हूँ एंड जस्ट आई एम सीइंग कि हाउ मच कंफर्टेबल आई एम इन दिस स्कूटी। तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, वेरी अपराइट पोजीशन है। जब आप बैठोगे बाइक में तो बाइक में स्कूटी में आप जब बैठोगे तो यहाँ पे पोजीशन जो है आपका बहुत अपराइट है एंड जो सीट का कुशनिंग है वो एकदम सुपर, आई कैन एंश्योर यू गाइस सुपर एंड बहुत अच्छा कुशनिंग है। और एक बात जस्ट कम और नीचे बार आ जाए, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दूर से दिखाओ, यहाँ पे कर्व है देख सकते हो आप लोग। तो ये कर्व के लिए क्या होता है, जब ये कर्व नहीं होता है स्कूटी में ये जो कर्व, तब क्या होता है जब ब्रेक मारते हो ना तो फिसल जाते हो और पीछे का जो पिलियन होता है वो आगे आ जाता है। जब अभी मैं अगर बैठूंगा यहाँ पे कर्व दिया हुआ है तो मेरा जो सीटिंग पोस्चर है एकदम फिटेड है लाइक बाइक, सो इट्स वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल। तो अ बिग थम्स अप, अ बिग एंड वेरी बिग थम्स अप टू टीवीएस फॉर टू बिल्ड अ स्कूटी लाइक दिस इन अ प्राइस सेगमेंट ऑफ 73,000 एंड ऑन रोड इट कम्स अराउंड, मेरे को पता है 75,000 के आसपास, 74,900 समथिंग लाइक दैट। सो काफ़ी अच्छा स्कूटी है। चलो आज तो बहुत कुछ हो गया है, आई मीन एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑनिस्ट, क्योंकि ऑनिस्ट अभी कैमरा हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे मेरे पीछे में। और एक बात कि मैं क्यों ये स्कूटी में शिफ्ट किया, मेरे पास तो क्लासिक 350 है। देखो भाई दो बात है, बंदा जो मैं हूँ वो कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बहुत कमाता नहीं हूँ, एनफील्ड मेंटेन करना बहुत हाई फाई होता है एंड उसके बाद पेट्रोल का माइलेज भी ज़्यादा नहीं मिलता है, इतना मेंटेनेंस हाई है। तो मैं सोचा अगर कुछ मनी अगर इन्वेस्ट किया, कुछ सेव कर लिया तो मेरे को एक स्कूटी चाहिए था। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन रहेगा, तो अभी मैं इसको ले लिया Ntorq को, आज बुक कर लिया 2,000 rupees दे के एंड वो लोग तो बोला कि 15 to 20 days के अंदर मैं डिलीवरी हो जाएगा। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट एंड कल है पहला वैशाख इन कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, सो बहुत अच्छा दिन है आज। तो मैं एकदम बंगाली ईयर का एंड में, आज जो है वो लास्ट डे है बंगाली ईयर का, वो लास्ट डे में मैं बुक किया था स्कूटी जो Ntorq है। चलो देखते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत कुछ बोल दिया भाई, बहुत ज़्यादा ही बोल दिया लगता है एंड ऑनेस्ट थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग माई कैमरा एंड तो बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया। अगर और कुछ जानना है तो कमेंट करो, कमेंट और अगर अच्छा लगा तो हिट इट लाइक द बटन, लाइक और अगर अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक मारो। और क्या है टिल देन, क्या है कुछ नहीं है, सब्सक्राइब हाँ यहाँ पे सब्सक्राइब आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन भी जाके दबा दो एंड हियर इज योर वन एंड ओनली दिबांगा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।